ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान तरीका बता रहा हूं। पहले प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िए, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न है दोस्तों, एक्स की उम्र 36 वर्ष एवं वाई की उम्र 16 वर्ष है, कितने वर्षों में एक्स की उम्र वाई की उम्र की दो गुनी होगी। तो देखिए, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों, तो इसमें आप ए बी सी डी कुछ ऐसे मानने की आपको जरूरत नहीं है, एक्स वाई भी मानने की कोई इसमें जरूरत नहीं है। देखिए, यहां पे दो लोगों का उम्र दिया है, क्या क्या दिया है दोस्तों, एक्स की उम्र बोल रहा है 36 वर्ष है और वाई की उम्र क्या बोल रहा है दोस्तों 16 वर्ष है। कह रहा है कितने वर्षों में एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी होगी। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व करेंगे दोस्तों गो थ्रू ऑप्शन, हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे आंसर आएगा, हम आपको बता रहे, दो लोग हैं, एक्स है और वाई है, ठीक है, एक्स की उम्र 36 है और वाई की उम्र क्या है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये वाई है, वाई की उम्र क्या है दोस्तों, यहां पे 16 वर्ष है। बोल रहा है कितने वर्षों में एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी होगी, तो एक वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों, ये 36 है तो ये 37 हो जाएगा और वाई की उम्र क्या हो जाएगी 16 है तो क्या हो जाएगी 17। क्या 17 का दोगुना 37 होगा बताइए, 17 का दोगुना 37 होगा, नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दो वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों, ये 36 है तो 36 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 38 वर्ष हो जाएगी एक्स की उम्र, और वाई की उम्र क्या हो जाएगी 2 जोड़ देंगे तो 18 होगा। 18 का 2 गुना 38 होता है, नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे 3 वर्ष, 36 में 3 जोड़ेंगे क्या होगा 39 और 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, क्या 19 का 2 गुना 39 होता है, नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत। अब क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे, ठीक है, यानी जब तीन ऑप्शन गलत होते हैं तो चौथा ऑप्शन सही होता है, मिलाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मिला के दिखा दे रहे हैं। 4 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों, एक्स की उम्र क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी और वाई की उम्र 16 है तो क्या हो जाएगी दोस्तों 20 हो जाएगी। बताइए 20 का 2 गुना 40 होता है, हाँ होता है, यानी कि कितने वर्षों में एक्स की उम्र वाई की उम्र दोगुनी हो जाएगी, 4 वर्षों में। 4 वर्ष में देखिए एक्स की उम्र क्या हो रही है, वाई की उम्र की दोगुनी हो जा रही है, 4 वर्ष बाद एक्स की उम्र क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी और वाई की उम्र क्या होगी 20 होगी, तो 20 दुना के 40, समझ रहे हैं ना, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं आसान तरीका, आपको अब क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे 37 हो जाएगा और ऐसे देखेंगे तो 17 होगा, तो 17 37 का 2 गुना नहीं है, समझ रहे ना, 37 जो है 17 का 2 गुना है, नहीं है, 2 वर्ष जोड़ेंगे, डायरेक्ट जोड़ना है, लिखना नहीं है आपको, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है ना, 2 जोड़ेंगे 38 होगा, इधर 2 जोड़ेंगे 18, ये भी 2 गुना नहीं हो रहा है, 3 वर्ष जोड़ेंगे 39 19 हो रहा है, ये भी नहीं है, इधर 4 वर्ष जोड़ेंगे तो 40 20 हो रहा है, यानी कि x की उम्र 2 गुनी हो रही है, 20 गुना के 40, समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए दोस्तों तो आप ऑप्शन से सॉल्व करिए, सेकंडों में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत ही आसान, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। प्रश्न है, ए 5 मिनट में 10 पृष्ठ टाइप कर सकता है, बी 10 मिनट में 5 पृष्ठ टाइप कर सकता है, एक साथ कार्य करने पर वह 30 मिनट में कुल कितने पृष्ठ टाइप कर सकते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ए 5 मिनट में 10 पृष्ठ, तो आधे घंटे में ये कितना पृष्ठ टाइप करेगा, 5 × 30 10 × 60, समझ रहे हैं ना, ये 5 मिनट है, 6 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30 मिनट हो जाएगा, ये भी 6 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 60, यानी कि एक होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट में कितना पृष्ठ टाइप करेगा 60 पृष्ठ, ठीक है। बी दोस्तों 10 मिनट में 5 कर रहे हैं तो 10 × 30 और 5 × 15, सॉरी ध्यान दीजिएगा, 10 × 30 मिनट को 30 बदलना है ना, 30 करना है, 10 × 30 तभी तो 30 मिनट होगा और ये 5 × 15, यानी कि ये क्या होगा दोस्तों 30 मिनट में 15 पृष्ठ टाइप करेगा, तो 60 और 15 जोड़ेंगे तो कितना पृष्ठ होगा दोस्तों 75 पृष्ठ, यानी एक साथ काम करेंगे तो आधे घंटे में कितने टाइप कर सकते हैं दोस्तों 75 आंसर होगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा इसमें उलझन लग रहा हो, समस्या लग रहा हो, तो आप ऐसे भी 1 मिनट का भी काम निकाल सकते हैं। ए 5 मिनट में 10 कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा दोस्तों, ए 1 मिनट में 2 करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बी 10 मिनट में 5 कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा दोस्तों, 5/10, यानी कि 1 मिनट में ये क्या करेगा 1/2, आधा करेगा। दोनों अगर एक साथ काम करें यानी टाइप करें तो 1 मिनट
में कितना टाइप करेंगे दोस्तों, ये दो कर रहा है ये आधा कर रहा है, तो कितना होगा, दो सही एक बटा दो, यानी कि ढाई पृष्ठ टाइप करेंगे। और 30 मिनट में कितना टाइप करेंगे दोस्तों, 30 का ढाई गुना कर दीजिए, 30 दुना के 60 और 15 जोड़ लेंगे तो 75। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। आंसर क्या होगा दोस्तों, 75 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न है, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा सभी तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी भर जाएगी। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले समझिएगा दोस्तों, समझना है क्या है। देखिए यहां पे दो पाइप क्या कर रही है दोस्तों, भरने का काम कर रही है। कौन कौन, ए और, देखिए यानी तीन पाइप है मान लीजिए, ए बी सी, या इस तरह से मान सकते हैं। तो जो दो पहली दो पाइप है, एक 15 घंटे और दूसरा 12 घंटे में भरने का, और तीसरा है दोस्तों ये 20 घंटे में भरी हुई टंकी को क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। समझ रहे ना, तीसरा दोस्तों 20 घंटों में क्या कर सकता है, खाली, ये खाली करने का काम कर रहा है, और बोल रहा है तीनों पाइपों को खोल दिया जाए, यानी सभी तीनों पाइपों को एक साथ दोस्तों खोल दे तो कितने देर में टंकी भरेगी, ये पूछ रहा है। दो भरने का काम करेंगी, एक खाली करने का काम करेगी। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, कौन कौन भरने वाला है, एक 15 घंटे में भर रहा है, दूसरा दोस्तों 12 घंटे में भर रहा है, तीसरा क्या है दोस्तों 20 घंटे में खाली कर सकता है, ये तीसरा जो है माइनस करेगा, यानी खाली करने का। तीनों जब चलेंगे तो दो भरने का काम करेगी, एक खाली करने का। तो आप पहले क्या करिए, इन तीनों का एलसीएम निकालिए, ठीक है। तीनों का एलसीएम कहने का मतलब है, एलसीएम समझ रहे हैं ना, लघुत्तम समापवर्त। देखिए कुछ नहीं करना है, 15 12 20 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 60 होगा। एलसीएम निकालना आपको सेकंड वाले चैनल पे बताया हूं, एग्जाम फिनिशर पे भी बताया हूं, नीचे लिंक उसका है, उस चैनल से भी जुड़ जाइएगा, अभी लास्ट में बताएंगे, पहले यहां पे ध्यान दीजिए। 15 12 20 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। अब देखिए, तो अब यहां पे आप मान लेंगे जो टंकी है वो 60 लीटर की है, पहला पाइप जो है दोस्तों वो 15 घंटे में भर रहा है, तो एक घंटे में कितना लीटर भरेगा, 60 को 15 से भाग करिए, 15 चौक को 60, एक घंटे में 4 लीटर भरेगा, तभी 15 घंटे में फुल भर ले जाएगी, ठीक है, पूरी भरेगी। दूसरा दोस्तों 12 घंटे में भर रहा है, तो 12 25 60 यानी एक घंटे में ये 5 लीटर भरेगा। तीसरा खाली करने का काम कर रहा है, 20 घंटे में खाली कर रहा है, तो 60 को 20 से भाग करिए, 20 3 60, एक घंटे में क्या होगी दोस्तों, 3 लीटर खाली करेगी। जब तीनों एक साथ चलेंगे तो दोस्तों क्या होगा, पहला जो है 4 लीटर भरेगा, दूसरा दोस्तों जो है वो 5 लीटर भरेगा, तीसरा दोस्तों जो है वो क्या करेगा, माइनस करेगा 3 लीटर। तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों बताइए, 4 प्लस 5 माइनस 3, 4 5 जोड़ेंगे 9, 9 में से 6, 9 में से 3 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 6। रिजल्ट आएगा दोस्तों 6 लीटर, यानी एक घंटे में क्या होगा, टंकी पे 6 लीटर ही पानी जाएगा। समझ रहे हैं ना, अब यहां पे ध्यान दीजिए, टंकी कितने लीटर की है, 60 लीटर की है, और एक घंटे में 6 जा रहा है, तो पूरी टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 60 से को 6 से कटाएंगे, 6 दहा में 60, यानी 10 घंटे में क्या होगी दोस्तों, पूरी टंकी भरेगी। देखिए 10 घंटा कहां, किस ऑप्शन में लिखा है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप बेसिक से और चैप्टर वाइज मैथ पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड वाले चैनल से भी आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। सेकंड वाले चैनल का नाम है एग्जाम फिनिशर, आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डायरेक्ट उस चैनल पे जा सकते हैं, उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। उस चैनल पे दोस्तों बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक कंप्लीट किया हूं, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूं, जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एलसीएफ निकालना, पदांतर करना, तिर्यक गुणनखंड, जितना भी बेसिक हो सकता है सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूं। और उस चैनल पे दोस्तों परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है, तो उस चैनल से भी जुड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए,
बहुत आसान तरीका बताऊंगा, पेन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे प्रश्नों के लिए। प्रश्न क्या है पहले अच्छे से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है, इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। देखिए आसान तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए टोटल कितने लीटर का मिश्रण है दोस्तों, जल और दूध का है ना, 40 लीटर का, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, वाटर का परसेंट क्या है दोस्तों, वाटर का परसेंट है 10, यानी 10% है, 10% ही है ना। बोल रहा है कितना पानी मिलाया जाए कि इसमें 20% हो जाए, ये बोल रहा है कितना इसमें पानी मिला दिया जाए कि वाटर की मात्रा 20% हो जाए। ध्यान दीजिएगा, अब आपको करना क्या है, आसान तरीका बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। 40 लीटर है दोस्तों, और देखिए 10% है, 10 से करना क्या है 20, यानी कितने की वृद्धि करना है 10 की। तो आप क्या करेंगे, 40 × 10 बटा में क्या लिखेंगे नीचे, ध्यान दीजिएगा, नई मात्रा, यानी 100 माइनस जल की नई मात्रा, इस तरह से लिखना है आपको। 100 में से क्या करेंगे 20 को घटाएंगे, ये जो नई मात्रा है ना 20% हो जाए, इसी को 100 से घटा के लिख देना है, ये शॉर्ट ट्रिक है। जब 20 से घटाएंगे दोस्तों 100 में से, तो क्या होगा 80 होगा, बस इसी को कटा लीजिए, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, देखिए 40 × 10 से 20 करना है, जितने कितने की वृद्धि 10% की, तो गुने 10 कर दिए, और बटा में नीचे क्या लिखते हैं दोस्तों, जो नई मात्रा है उसको 100 से घटा के लिख देंगे, 100 में से जब 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। अब देखिए 40 × 80 और 2 × 5 = 10, यानी मिलाई जाने वाली दोस्तों जो पानी होगी वो कितने लीटर होगी दोस्तों, 5 लीटर, 5 लीटर मिला देंगे तो 20% हो जाएगा। देखिए 5 लीटर किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए इसके लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे, 40 लीटर है, 10 से 20 करना है, तो 40 × 10, 10 से 20 करना है तो 10 की वृद्धि, और बटा 100 माइनस नई मात्रा, 100 में से क्या करेंगे 20 घटाएंगे तो क्या होगा 80, बस ऐसे 40 × 80, 2 × 5 = 10, यानी मिलाई जाने वाली जो पानी की मात्रा है कितना मिलाया जाए दोस्तों, 5 लीटर। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, पेन उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर आता है प्रश्नों को, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आसान तरीका समझाया हूं, नोट जरूर करिए प्रश्नों को, फिर भी आपको किसी टॉपिक या चैप्टर में प्रॉब्लम है उस टॉपिक का नाम नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो भी टॉपिक दोस्तों हम बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है, किसी टेलीविजन का अंकित मूल्य 24,000 रुपए है, एक खुदरा व्यापारी ने इसे क्रमशः 20% तथा 10% की क्रमागत छूट पर खरीदा, इस खुदरा व्यापारी ने तब इसे कितने में खरीदा। देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, क्रमागत छूट में खरीद रहा है, 20% और 10%, ये नहीं आप डायरेक्ट 30% नहीं बोलेंगे, ये क्रमागत है दोस्तों, यानी पहले 20% छूट मिला, फिर उसके बाद 10% छूट मिला, तो इस पे कैसे निकालेंगे इसको, देखिए आसान तरीका समझा रहा हूं। कितना है अंकित मूल्य दोस्तों, 24,000 है, ध्यान दीजिएगा ये 24,000 है, इस पे दो छूट मिलता है दोस्तों, पहला 20%, 20% छूट का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मूल्य 80% हो जाएगा, फिर दोस्तों क्या होता है 10%, 10% छूट का मतलब इसका मूल्य अब क्या हो जाएगा, इसका 90%, यही तो होता है ना क्रमागत छूट, बस इसी को कटा लेना है, व्यापारी कितने में खरीदा मूल्य आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा, 2 जीरो है ना, ऊपर 2 जीरो है, कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे 2 जीरो ये है, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 24 × 8 क्या होगा दोस्तों, 192 होगा, ध्यान दीजिएगा, और ये 0 है तो 0 लिख लेंगे, गुने क्या बचा है दोस्तों, यहां पे 9 बचा है, क्योंकि 24 × 8 240 × 8 कर दिए, उसके बाद 9, ठीक है। अब गुना करिए दोस्तों, यानी कि 9 × 0 = 0, 9 × 18 के 8, हासिल क्या होगा दोस्तों 1, 9 × 81 = 82 का 2, हासिल 8, 9 × 9 = 18, आंसर होगा दोस्तों ये आपका क्या होगा दोस्तों, 17,280 रुपए, दो क्रमागत छूट के बाद खुदरा व्यापारी ने इसे कितने में खरीदा, 17,280 रुपए। देखिए 17,280 रुपए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।